मोर जमीन मोर मकान आवास योजना के तहत कैंप दो क्षेत्र के अनेक हितग्राही मकान की किश्त के लिए निगम मुख्यालय के साथ जोन कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन इन्हें एक किश्त भी नहीं मिली है, जिससे मजबूरी में हितग्राहियों को सामाजिक भवनों और मंदिरों की शरण लेने मजबूर होना पड़ रहा है। मोर जमीन मोर मकान आवास योजना की हकीकत कैंप दो क्षेत्र में आकर देखी जा सकती है। योजना के हितग्राही ब्याज में पैसे लेकर अपने मकानों का निर्माण करा रहे हैं। यहाँ के कुछ हितग्राहियों को निगम कर्मचारियों द्वारा आवास योजना का लाभ दिलाने अपने कच्चे मकान को तोड़कर पक्का मकान बनाने की सलाह दी गई थी, साथ ही किस्त के बारे में भी जानकारी दी गई थी, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल विपरीत। निगम कर्मचारियों की बातों में आकर लोगों ने अपने मकान तुड़वा दिए, लेकिन इन्हें एक किस्त की राशि भी नहीं मिली। कुछ हितग्राही ब्याज में पैसा लेकर अपने मकान का निर्माण करा रहे हैं। अब कच्चा मकान के टूट जाने से हितग्राही सामाजिक भवनों और मंदिरों में शरण लेने को मजबूर हो चुके हैं। निगम कर्मचारियों द्वारा मकान की किस्त के नाम पर इन्हें पिछले कई महीनों से केवल आश्वासन ही दिया जा रहा है। वार्ड 33 संतोषी पारा का एक हितग्राही सामाजिक भवन में रहता है, जिसमें आंगनबाड़ी केंद्र का भी संचालन किया जाता है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस हितग्राही को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं हितग्राही किस्त की राशि नहीं मिलने से आर्थिक एवं मानसिक रूप से बेहद परेशान हैं। ऐसे ही कुछ हितग्राहियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लोगों को पक्का घर के लिए एक योजना मोर जमीन मोर मकान आवास योजना बनाया गया था, जिसके लिए 2.5 लाख रुपए हर प्रत्येक हितग्राही को मिलता है। परंतु भिलाई का दुर्भाग्य कहे या भिलाई में जिस प्रकार की एक धांधली सामने आया है, वहाँ केवल वार्ड क्रमांक 33-34 के अलावा और भी कई क्षेत्र में हो सकते हैं, जिसके संबंध जब यहाँ पर जानकारी मिली तो हम लोग यहाँ पर जब आए तो यहाँ का तो मतलब लोग किस तरह से अपने इस बरसात के समय अपने मकानों को नगर निगम के अधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों के कहने पर अपने मकान को पहले तोड़ लिए हैं और तोड़ने के उपरांत आज अपने कई निर्माण भी कर चुके हैं, परंतु उनका एक भी किस्त नहीं आया, जिसके चलते आज इन्हें एक सामूहिक भवन में किसी को रहना पड़ रहा है, किसी को मंदिर के प्रांगण में रहना पड़ रहा है, या किसी को मंदिर के भवन में करीब करीब 3 से 4 परिवार एक साथ रहना पड़ रहा है। जबकि इस तरह का दुर्भाग्यपूर्ण भिलाई में देखने को मिल रहा है और उसके संबंध में यहाँ के लोगों के द्वारा कई बार चक्कर भी लगाया गया। केवल मोर जमीन मोर मकान के तहत जो बनाने वाले लोग हैं उसके अलावा जिनका नक्शा भी मिल चुका है, परंतु नक्शे को भिलाई के वार्ड के पार्षद के द्वारा अपना प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया, ये पहली बार सुनने में आ रहा है कि वार्ड का भी कोई प्रतिनिधि होता है, उनके द्वारा का दस्तावेज लिया गया, जिसके संबंध में नगर निगम के अधिकारी वर्मा जी को इससे अवगत कराया गया था, तो वर्मा जी ने साफ कहा कि हमने ऐसा कोई भी दस्तावेज किसी भी पार्षद या किसी भी प्रतिनिधि को नहीं दिया है। अभी आपके द्वारा किस तरह का कार्रवाई की जाएगी इन्हें राशि दिलाने को लेकर के? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये तो 100% गारंटी है कि इनका पैसा आ चुका है, क्योंकि इसमें गड्ढा खोदने के उपरांत ही पहला किस्त पास होता है। तो निश्चित रूप से जिन अधिकारियों के द्वारा इनके रकमों को कहीं ना कहीं या तो अपने इस्तेमाल के लिए उपयोग किया गया है या तो इन पैसे का कहीं ना कहीं दूसरे जगह उपयोग किया गया है, तो निश्चित तौर से ये फर्जीवाड़ा का केस है। 420 के साथ साथ 34 का प्रकरण, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं सब सम्मिलित है, उसके संबंध में उच्च अधिकारियों को शिकायत की जाएगी और प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में भी इसकी जानकारी से प्रदान करते हुए इनका पूरा न्याय दिलाया जाएगा कि इनका मौलिक अधिकार है। और किस्त की राशि नहीं मिलने से पीड़ित हितग्राहियों ने अपनी परेशानियों से सामाजिक कार्यकर्ता सुमन शील को अवगत कराया, जिस पर उन्होंने जिला कलेक्टर से मिलने और प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखने की बातें कही हैं। मेरा नाम प्रतिभा है, मेरी मम्मी का नाम चंद्रकला देवी पासवान है। उनको आवास योजना के तहत पैसा मिलने वाला था, तो शुरू में बोले कि आप घर तोड़िए, पहला बीम जैसे होगा वैसे आपको फर्स्ट किस्त मिलेगा। तो हम लोग घर तोड़वा दिए। उस टाइम मेरी मम्मी एडमिट थी हॉस्पिटल में, तो हम बोले कि अभी नहीं करवा सकते क्योंकि हमारे घर की स्थिति वैसी नहीं है। तो फिर वो बोले कि नहीं, कोई बात नहीं होगा, आपका हो जाएगा करके, टेंशन मत लो, एक हफ्ते के अंदर किस्त आ जाएगा। फिर जब मेरी मम्मी हॉस्पिटल से आई तो काम स्टार्ट हो गया। उसके बाद हम बोले कि अभी सर पैसा नहीं आया है, तो बोलते हैं पैसा नहीं है निगम में, एक हफ्ता और लगेगा। फिर उसके बाद
बाद एक हफ्ता करते करते एक महीना हो गया, अभी तक नहीं आया। और हम लोग एक सामूहिक भवन में रह रहे हैं जहाँ पे आंगनबाड़ी भी चलता है, अगर कोई कार्यक्रम होता है तो उसको भी करना पड़ता है, तो हम लोग को जाना पड़ता है किसी और के यहाँ। और यहाँ पे नहाने की भी सुविधा नहीं है, तो दूसरे के यहाँ ही नहाते हैं। एक भी किस्त नहीं मिला है, और निगम में नाम आ गया है और सब कुछ लिखा भी है, लेकिन एक भी अकाउंट में पैसा नहीं है। आप किसी निगम अधिकारी से, किसी कर्मचारी से चर्चा हुई क्या आप लोगों की? हाँ हुई थी, तो बोल रहे निगम में पैसा नहीं। वही चीज हमेशा बोलते हैं, निगम में पैसा नहीं है, एक हफ्ता रुको, एक हफ्ता रुको, तो डेढ़ महीना दो महीना ऐसी हो गया। जल्दी से जल्दी आ जाए हमारा पैसा, फिर उसके बाद चुनावी कार्यक्रम आ जाएगा तो उसमें भी हो सकता है कि ना मिले, तो हम लोग कब तक यहाँ पे रहेंगे? यहाँ के पार्षद तो शैलजा राज जी, वो भी मिले थे कल वहाँ पे निगम में, तो भी बोल रहे हैं कि अभी पैसा नहीं, वो भी बोल रहे हैं कि हाँ होगा, काम होगा, पता नहीं। तो आपके द्वारा निर्माण किस तरह क्यों चालू किया गया? बोला गया कि आपका पास हो गया है प्रधानमंत्री आवास वाला, तो हमने बोला चलो अच्छी बात है, तो उन्होंने आके बोले कि जल्द से जल्द तोड़ो, गड्ढा करो, फिर फोटो खींच के ले जाएंगे, पहला किस्त आ जाएगा। फिर फोटो खींच के भी ले गए, पहला किस्त आया नहीं, अभी एक डेढ़ महीना हो गया है। और उसके बाद बोले 18 दिन के अंदर वैसे पहला किस्त आता है, उसके बाद वाला किस्त जल्दी जल्दी आता है, तो हमने चलो ठीक है। और बोले कि आप काम रोकना नहीं, जितनी जल्दी आपकी काम बनेगी बनते जाएगी उतनी जल्दी जल्दी आपकी पैसा आ जाएगा। हमने फिर कर्जा वर्जा ले के इधर उधर से ब्याज में पूरा, और उसके बाद 5% कोई 3% ऐसा उस फिर घर को हम तैयार कर रहे हैं। अभी हमारा घर छत ढलाई के लायक हो गया है पूरा, एक भी किस्त नहीं आई है। हाँ हम गए थे निगम में, उन्होंने कहा कि पैसा अभी आया ही नहीं है निगम में, आ जाएगा तो आपका पैसा आ जाएगा। अपना नाम बता दीजिए। लक्ष्मी राय। किस्त की राशि नहीं मिलने से लोग रुपए ब्याज में लेकर अपने मकानों का निर्माण करा रहे हैं, इससे डेली कमाने खाने वाले इन हितग्राहियों की आर्थिक स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।